और जो हमसे टुकराता है वो चूर चूर हो जाता है। दीदी इतना गुस्सा क्यों, राग केनो दीदी? बंगाल में आज बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़े। एक तरफ कोलकाता में पीएम मोदी की मेगा रैली चल रही थी तो दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकाली। ब्रिगेड परेड मैदान से जहां पीएम मोदी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा तो वहीं सिलीगुड़ी से ममता ने भी पलटवार किया। पीएम मोदी ने तो ममता बनर्जी को कहीं का नहीं छोड़ा। आपको वो तस्वीर याद होगी जब ममता बनर्जी स्कूटी पर निकली थी और रास्ते में गिरने से बची थी। बस इसी बात पर पीएम मोदी ने चुटकी ले ली और क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। लेकिन इधर सीएम ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकालने के बाद पीएम मोदी पर जमकर बरसी। बंगला को सुनार बंगला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, हाय कहा, खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है कि आज वल्लभ भाई पटेल उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। अच्छा देखो कोविड में इतना लोग मरा, इतना बड़ी प्रॉब्लम हुआ, एक दिन के लिए देखने नहीं आया, तब डर के मरते थे और वर्चुअल करते थे। मैंने कोविड का टाइम भी रास्ता जाके राउंड बढ़ा के हम बाजार में घुमा, रास्ता में घुमा, हॉस्पिटल में घुमा, कहा था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चैलेंज भी दिया कि खेला हो बे, जो हमसे टकराता है चूर चूर हो जाता है। खेला है बे, देखा है बे, जीता है बे, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे, और जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। फिलहाल देखना होगा कि बंगाल का ये राजनीतिक मंच आखिर किसके हिस्से आएगा, बंगाल की जनता किसे बनाएगी बादशाह, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।